हेलो कैंसेरियंस, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए सितंबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। तो मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, और तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैंसेरियंस, और आपके लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड प्लेफुलनेस। और ये तीनों ही कार्ड्स हाई एनर्जी लेवल, हाई एक्साइटमेंट, हाई एंथुजियाज्म की बात करते हैं। तो कहीं सितंबर स्टार्टिंग से लेके सितंबर मिड तक आपके एनर्जी लेवल्स काफ़ी हाई रह सकते हैं। आप चीज़ों को लेके बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं, बिना सोचे समझे काम कर सकते हैं, और जल्दबाजी में इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहीं चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस और ट्रैवल की भी बात करता है। और जो भी सितंबर स्टार्टिंग से लेकर सितंबर मिड तक आपकी लाइफ में हो रहा है या लव लाइफ में हो रहा है, वो बिना सोचे समझे हो रहा है, अनप्लान्ड हो रहा है। तो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं कैंसेरियंस, बट कहीं एक बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो इस चीज़ को आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि सितंबर मंथ में क्या हो रहा है उसके कार्ड्स मेरे सामने हैं, और ये जल्दबाजी, ये इम्पल्सिव एनर्जीज कहीं आपको परेशान कर सकती हैं। तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करें। और आपके पार्टनर के भी कार्ड्स में देखूँ तो वो इतना इनिशिएटिव लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, और आपकी तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा आगे से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, और शायद हो सकता है यही एक मिसमैच रिलेशनशिप में प्रॉब्लम या इश्यूज क्रिएट करे। यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स का भी कार्ड है। सिक्स ऑफ कप्स बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, जो हमें कहता है कि हो सकता है पास से कोई इंसान या कोई चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है सेप्टेम्बर मंथ में, जो एक बहुत हाई एंथुजियाज्म भी लेकर आ रही है। या इन जनरल हो सकता है कि जो भी आपका करंट रिलेशनशिप है, आप बहुत ज़्यादा लव, प्यार, मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। और कहीं अगेन मैं कहूँगी कि सितंबर स्टार्टिंग से लेके सितंबर मिड तक एक इमेच्योरिटी भी दिख रही है आपकी तरफ से, बट बाय द एंड ऑफ सितंबर आपकी एनर्जीज़ में एक चेंज आ सकता है। यहाँ पे द एम्परर और कंट्रोल के कार्ड हैं, तो दोनों ही किंग और एम्परर के कार्ड हैं, ये मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं। तो कहीं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक मैस्कुलिन एनर्जीज आ रही हैं, या कोई मेल इंसान आपको एडवाइस दे सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि भाई मैच्योरिटी के साथ काम लें, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव ना हों, थोड़ा सा एक अपने आप को रोकें भी। तो कहीं मुझे दिख रहा है कि एक कंट्रोल सितंबर एंड में आपकी एनर्जीज़ में आ सकता है, या आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ें करने चाह रहे हैं। तो कहीं अगर मैं इन नटशेल आपकी एनर्जीज़ देखूं, तो हो सकता है कि ये जो मैच्योरिटी है, ये भी एक इमैच्योरिटी का ही रिजल्ट और आउटकम है। होता है ना, कभी कभी हमारी मैच्योरिटी भी इमेच्योर होती है। आई डोंट नो आपको मैं कितना समझा पा रही हूँ, बट कहीं आपकी एनर्जीज में बहुत एक कंट्रास्ट दिख रहा है मुझे। अब ये भी हो सकता है कि सितंबर स्टार्टिंग में बहुत इमेच्योर एनर्जीज हैं और सितंबर एंड में आप बहुत मैच्योरिटी से काम ले रहे हैं, तो इतनी जल्दी एक शिफ्ट आए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हो सकता है कि ये इमेच्योर मैच्योरिटी सितंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में है या आपकी लाइफ में है। और आपके पार्टनर के अगर हम कार्ड्स देखें तो यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, रिवर्स है ये, और पास्ट लाइफ का कार्ड है। तो आपके पार्टनर इतने इनिशिएटिव लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम दिख रहा है, आप मुझे ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके। और हो सकता है कभी कभी जब हमारे पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, तो हम हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि आपकी वजह से, या आपको देख के आपके पार्टनर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो रहा है। ये कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है, या हो सकता है बहुत सारे कैंसेरियंस के लिए है, बट यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि उनका एंथुजियाज्म कम है, कॉन्फिडेंस कम है, वो इतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, वो इतना अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे हैं। इसके बहुत सारे रीज़न
रीजंस हो सकते हैं। एक मैंने आपको बताया कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं और उसको लेके या अदरवाइज यू नो एक फियर, एक इनसिक्योरिटी उनके मन में रह सकता है। और यहाँ पर द वर्ल्ड एंड बियॉन्ड इल्यूजन के भी कार्ड्स हैं और ये द वर्ल्ड का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है कोई फॉरेन रिलेटेड प्लानिंग उनके माइंड में चल रही हो, या वो ट्रैवल करें सितंबर मंथ में, या इन जनरल वो भी आपके साथ एक कंप्लीशन चाह रहे हैं, वो भी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं। बट अगेन मैं कहूँगी कि इतने इनिशिएटिव्स, इतने एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है और अंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड है। तो किंग ऑफ कप्स रिवर्स मुझे दो चीज़ें बोलता है, या तो वो बहुत ज़्यादा लव एक्सप्रेस कर रहे हैं या वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस हाइड कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस बहुत ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि नीचे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड मुझे कह रहा है कि वो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। और सितंबर मंथ के लिए भी यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये कार्ड भी मुझे कहता है कि कहीं यू नो एक रुकावट है, रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। और ये ज़्यादा एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिख रही हैं, आप तो मुझे बहुत इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं अगेन अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज को नटशेल में मैं देखूँ तो वो इतने इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, एक कंप्लीशन आपके साथ चाहते हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, बट कुछ फियर्स हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं और ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं। और अब देखें कि सितंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो सितंबर मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं थ्री ऑफ सोर्ड्स, स्किज़ोफ्रेनिया एंड नॉट टुडे। तो कहीं ये बहुत ही क्लियरली बोल रहे हैं कैंसेरियंस कि आप हर्ट महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आपके पार्टनर उस तरीके से रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। नहीं तो एक और चीज़ हो सकती है कि रिलेशनशिप में बहुत ग्रेट नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें आपको हर्ट कर रही हैं, आपके पार्टनर का लो एंथुजियाज्म, लो एक्साइटमेंट, या वो अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये चीज़ आपको हर्ट कर रही है। बट कहीं आप इतना इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हैं। मैंने बहुत बारी कहा है कि हमारी लाइफ में एक्सटर्नली क्या हो रहा है वो एक चीज़ होती है, बट हम उस चीज़ को लेके अपने आप को क्या कहते हैं वो एक चीज़ होती है। तो कहीं यू नो एक्सटर्नली चीज़ें बहुत ग्रेट नहीं हो रही हैं रिलेशनशिप में, बट आप उस चीज़ का असर अपने ऊपर नेगेटिवली नहीं पड़ने दे रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप मस्त रहें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके लव्ड वंस हैं, आप उन पे फोकस करें और बहुत ज़्यादा यू नो आप परेशान ना हो। तो ये भी कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है, कहीं एक स्टक वाली फीलिंग रह सकती है। और हो सकता है कि कैंसेरियंस आप इतने परेशान हो गए हैं कि आप बोलते हैं भाई मुझे डील ही नहीं करना है। यहाँ पे नॉट टुडे का कार्ड है, ये क्लियरली बोल रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि आप हर्ट नहीं होना चाहते, आप अपने आप को परेशान नहीं करना चाहते। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नोथिंगनेस के भी कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स भी कहीं वही चीज़ बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। है रिलेशनशिप है बट आगे नहीं बढ़ रहा है। नोथिंगनेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली बोल रहा है कि यू नो एक डेड एंड पे आ गया है रिलेशनशिप, आगे कैसे जाएं या क्या होगा वो नहीं दिख रहा है सितंबर मंथ में। और यहाँ पर फोर ऑफ कप्स प्रोजेक्शंस के भी कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स भी कहीं वही चीज़ बोलते हैं मुझे कि एक बोर्डम, एक मोनोटनी इस रिलेशनशिप में है। हालांकि आप मुझे बहुत ज़्यादा यू नो एक इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं, तो अगेन वही चीज़ हो सकती है कि रिलेशनशिप सितंबर मंथ में बहुत ग्रेट नहीं जा रहा है, बोर्डम है। प्रोजेक्शंस का कार्ड मुझे कहता है कि आप क्लियरली देख ही नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे नोथिंगनेस भी वही चीज़ बोलता है कि एक क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा। और शायद इन्हीं सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि इन चीज़ों की तकलीफ़ आपको ना हो, परेशानी आपको ना हो, आप अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, मस्त कर रहे हैं, आप यू नो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लोज वन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अगेन अगर मैं नटशेल में आपके रिलेशनशिप को देखूँ सितंबर मंथ में कैंसेरियंस, आप की एनर्जीज बहुत ग्रेट दिख रही हैं, आपके पार्टनर इतने इनिशिएटिव लेते हुए नहीं दिख रहे हैं और शायद यही मिसमैच कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। एक्सटर्नली चीज़ें बहुत ग्रेट नहीं चल रही हैं, बोर्डम है, मोनोटनी है, आप कुछ चीज़ों को लेके हर्ट भी हो रहे हैं।
ये थी कैंसेरियंस आप लोगों के लिए सितंबर 2020 की लक टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।